Assalamualaikum क्लास, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक किसे कहते हैं? हाइपरलिंक इज सच एन आइकॉन ग्राफिक और टेक्स्ट इन अदर पेज दैट व्हेन क्लिक्ड टेक्स यू टू सम अदर पेज। जो हाइपरलिंक का कोई आइकॉन हो सकता है, ग्राफिक हो सकती है या कोई टेक्स्ट हो सकता है, जिससे हम क्या करते हैं क्लिक करके किसी भी दूसरी वेब पेज पर चले जाते हैं। एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज पर जाने को हाइपरलिंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको कोई टीचर जूम ऐप का लिंक सेंड करती है, तो उसने आपको क्या किया, उसने हाइपरलिंक आपको सेंड किया। तो हाइपरलिंक पे आपने जस्ट क्लिक करना, तो आपने फ़ौरन मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। तो अब हाइपरलिंक किस तरह बनता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जी ये जो टैग है इसको कहते हैं एंकर टैग, ठीक है। ये वाला जो टैग है, टैग ए लेस देन ए ग्रेटर देन टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। तो जो ये टैग है ये इस्तेमाल होता है किसमें, हाइपरलिंक में वेब पेज को बनाने के लिए। द हर्फ एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द यूरल यूआरएल ऑफ द लिंक वेब पेज। ये क्या है, हाइपर लिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट से कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये किसके लिए यूज होता है, ये किसी ना किसी यूआरएल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी वेब पेज के यूआरएल के लिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि देखें जी, ये फर्स्ट जी मैंने लिंक बनाया जो, तो सबसे पहले तो सिंपली टेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जो सिंपली टेक्स्ट होगा वो क्या हो गया कि पहले जी ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ गया जी, आगे ए ये कैपिटल भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। एच आर एफ ठीक है इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा वेबसाइट नेम, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये उसका टैग क्लोज किया है, टेक्स्ट लिखना है कि कौन सी वेबसाइट का नाम क्या है वो लिखना है, फिर आगे उसकी क्लोजिंग टैग लगा देनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल पर जाना है तो किस तरह जाएंगे, किस तरह उसका लिंक क्रिएट करेंगे, ओपनिंग टैग लगाएंगे, पहले ए एच आर एफ का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे https:// लगाएंगे डबल www.google.com, आगे इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करके इसका टैग क्लोज कर देंगे। आगे नेम लिखना था हमने, तो हमने विजिट करना है गूगल पे, तो विजिट www.google.com या खाली सना लिख सकते हैं google.com। तो आगे इसका मैंने एंकर का टैग क्लोज कर दिया। तो ये जो अब हम अपने जब इसको एडिट करेंगे तो जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेब पेज पे हमारे पास ये लिंक लिखा आएगा इधर जी http www.google.com, हम इसको क्लिक करेंगे तो हम किस पे चल जाएंगे, गूगल के वेबसाइट पे चल जाएंगे, गूगल पेज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह हम ये वेबसाइट बनाते हैं, हाइपरलिंक जनरेट करते हैं किसी भी वेबसाइट का। अब जिस तरह ये नीचे देखें, एक और यूट्यूब पे जाना हमने, तो सबसे पहले क्या किया है, साइन क्लोज ओपनिंग टैग लगाया है एंकर का, ग्रेटर लेस देन ए एच आर ई एफ, अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया, लॉन्ग फॉर्म में कैपिटल फॉर्म में था, और ये शॉर्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। लेस देन का साइन ए एच आर ई एफ इक्वल टू इन्वर्ट कॉमा https://www.youtube.com, आगे इन्वर्टेड कॉमा में, फिर आगे उसके क्लोजिंग टैग में ये विजिट www.youtube.com के जी, मैंने youtube.com पे जाना है तो आगे उसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। तो अब जो ये लिखा जाएगा उसमें एंटर करूँगा तो वेब पेज पे जाऊँगा तो वहाँ पे ये लिंक लिखा हुआ आएगा YouTube का, मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं कौन से पेज पे आ जाऊँगा, YouTube के पेज पे आ जाऊँगा, ठीक है। इस तरह आगे और हम देख लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट का अगर लिंक क्रिएट करना है तो साइन ए एच आर ई एफ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉलम एच टी टी पी एस डबल कॉलम कॉलन डबल स्लैश www. जी हमने जाना है जी www. इंटरनेट डॉलर मैनेजर पर जाना है हमने, तो IDM के पेज पर जाना है idm.com इन्वर्टेड कॉमा और इसको क्लोज कर देंगे टैग को, आगे तो लिखेंगे विजिट www.idm.com, ठीक है, और इसका क्लोज टैग कर देंगे। तो ये भी हमने इसका लिंक जनरेट कर लिया है इंटरनेट डोमेन मैनेजर के वेब पेज का। अब इस तरह किसी और
वेबसाइट का देखते हैं, ए एच आर ई एफ इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल जी हमने अपने स्कूल का लिंक बनाना है, https इनवर्टेड इनवर्टेड कॉमा कहना सॉरी कोलन डबल स्लैश www पैरिस मॉडल हाई स्कूल है पैराडाइज मॉडल हाई स्कूल .com इनवर्टेड कॉमा क्लोज विजिट www.paradisemodelhighschool.com। ये किसका लिंक बन गया जी, पैराडाइज मॉडल हाई स्कूल का लिंक बन गया। ठीक है, इस तरह एक और कोई लिंक बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी गेमिंग लिंक, कोई गेमिंग लिंक बना लेते हैं, ए एच आर ई एफ इक्वल टू मैट्रिकोम https कोलन डबल स्लैश www जी कौन सी गेम में बनाए बनाए मैंने, चले जी मैंने डाउनलोड करनी है ई स्पोर्ट्स, मैंने ब्लू स्टैक जी डाउनलोड करना है, तो ब्लू स्टैक .com इनवर्टेड कॉमा क्लोजिंग टैग विजिट www ब्लू स्टैक .com ये ब्लू स्टैक का लिंक है। इस तरह आपने किसी भी वेबसाइट का लिंक बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही हमने पढ़ना है कि इस तरह हमने हाइपरलिंक क्रिएट करना है। अब ये इसने एक्टिविटी दी इन अ फाइल पाकिस्तान आई थी, मैंने क्रिएट हाइपरलिंक टू द आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, द आर्टिकल कैन बी फाउंड एट यूआरएल। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने, चले रहने दें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका लिंक बनाना दिखाऊंगा किस तरह हमने ये जो एक्टिविटी जिसको हमने किस तरह करनी है। आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह आपने डिफरेंट वेबसाइट के लिंक्स बनाने हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।